सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नया शब्द सामने आया है, डार्क वेब। इसे नया तो नहीं कहा जा सकता, है तो ये बहुत पुराना। इसका बहुत से देशों में यूज़ होता है, इलीगल कामों में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे देश में भारत में भी किया जाता है। पर ये पहले बहुत लोगों को पता नहीं था, और बहुत लोगों को क्या, शायद इसके बारे में 2% 3% जनता लोगों को ही पता हो कि हाँ, ये डार्क वेब जैसी भी कोई चीज़ है। हमें अभी कुछ दिन पहले एक एडवोकेट विभोर का ट्वीट था, जिसके माध्यम से ये बात सामने आई कि सुशांत सिंह के साथ 13 जून की रात में जो भी घटनाएं घटी थी, जो भी उसके साथ बर्ताव किया गया था, उन सब का लाइव टेलीकास्ट डार्क वेब के माध्यम से दिखाया गया था, जो कि बॉलीवुड के कुछ लोगों ने लाइव देखा था। इसके बाद से ये डार्क वेब जो शब्द है, ये बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में सर्च करने लगे कि ये डार्क वेब आखिर है क्या। हमें ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज जब हम 99% इंटरनेट पर टिके हुए हैं, उसके बाद भी हम नेट के बारे में केवल 4% ही जानते हैं, क्योंकि जो नेट जो हम यूज़ करते हैं, उसका जो सतही भाग, जो उसका 4% सतही भाग है, हमें उतना ही पता है, जबकि उसका जो 96% भाग है वो डार्क वेब है। और ये डार्क वेब आमतौर पर लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। ये जो भी वेबसाइट्स होती हैं, या जो सर्च इंजन होते हैं, जैसे क्रोम हो गया या ब्राउज़र हो गया, इस तरह के जो भी सर्च इंजन्स हैं, ये इन सब पर ये आप सर्च नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक स्पेशल सर्च इंजन का यूज़ करना होता है, जिसे कहते हैं टॉर, या इसे द अनियन राउटर भी कहते हैं। इस पर ही आप इस वेबसाइट को खोल सकते हैं, आप डार्क वेब को इसी पर खोल सकते हैं, टॉर पर। ये इलीगल है, जो डार्क वेब है ये इलीगल है। इसका यूज़ आमतौर पर लोग करते हैं इलीगल कामों को करने के लिए, जैसे मानव तस्करी, मादक पदार्थों का खरीद फरोख्त, हथियारों की तस्करी, इस तरह के जितने भी इलीगल काम होते हैं, जो कि सरकार करने से मना करती है, वो सारे काम करने के लिए आमतौर पर जो लोग हैं वो डार्क वेब का यूज़ करते हैं। इसलिए ये नॉर्मल जो आम जनता है, उनके ये बहुत से बाहर होता है। और इस पे अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको यूआरएल एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना होता है। जब आप लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पासवर्ड और यूज़र नेम अपना डालना होता है। तो ये ऐसी एक वेबसाइट है जिसका यूज़ हर कोई नहीं कर सकता, और चूंकि इसका ज़्यादातर प्रयोग लोग इलीगल काम करने के लिए करते हैं, इसलिए इस पर सरकार का और पुलिस वालों का पूरी इनकी नज़र रहती है कि इस वेबसाइट का यूज़ कौन लोग कर रहे हैं। अगर आप अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर, अपने पीसी से आप इस वेबसाइट को खोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप सरकार की नज़र में या आप पुलिस वालों की नज़र में आ जाते हैं। ये जो डार्क वेब है, ये एक इसकी जो पहुंच है वो चुनिंदा समूह तक होती है। जैसे एक समूह होता है, एक चुनिंदा समूह होता है, जिसके पास इसका पासवर्ड होता है, यूज़र नेम होता है, उनके पास होता है, तो वो जो भी अनैतिक काम करते हैं, इलीगल काम जो भी वो करते हैं, वो अपने एक समूह के माध्यम से करते हैं। और यही बात एडवोकेट विभोर ने भी कही कि जो सुशांत के साथ जो भी बर्ताव किया गया, जो गलत उसके साथ व्यवहार किया गया, उसे मारा पीटा गया, उसे किस तरीके से उसकी हत्या की गई, उन सब का लाइव टेलीकास्ट किया गया था डार्क वेब पर। अब ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने ये बात ट्वीट के माध्यम से कही है। उसके बाद से ये डार्क वेब बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर ये है क्या, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, हमें जिसके बारे में पता नहीं है, और ये इस पर लाइव टेलीकास्ट आखिर किया कैसे जाता है। तो इस पे बस यही है कि इस पे पासवर्ड और यूआरएल दे दिया जाता है, और जिसके माध्यम से जो लोग इसका यूज़ करते हैं, उनके पास वो पासवर्ड होता है, उनके पास उसका यूआरएल होता है, और उस माध्यम से वो इस वेबसाइट का यूज़ करते हैं। ये इलीगल है, ये अनैतिक है, इसलिए ये आमतौर पर लोगों की पहुंच से बाहर होती है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको जो होते तो वैध हैं, लेकिन वो केवल उसके एडमिन के इजाज़त से ही, परमिशन से ही उसे ओपन किया जा सकता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए भी डार्क वेब का हैकर्स यूज़ करते हैं। किसी के गूगल अकाउंट को हैक करने के लिए, किसी ऐसी वेबसाइट को हैक करने के लिए,
और सरकार के डॉक्यूमेंट्स को हैक करने के लिए या सरकार की कुछ अकाउंट्स को हैक करने के लिए डार्क वेब का यूज़ किया जाता है। डार्क वेब में हर वो इलीगल काम किया जाता है जो कि आप किसी और वेबसाइट के माध्यम से नहीं कर सकते, पर इसको करने के लिए बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, इसलिए हर इंसान इसका यूज़ भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि अगर आप टॉर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, आप उसके माध्यम से सर्च इंजन में जाके आप इसका यूज़ कर लेते हैं, डार्क वेब का आप यूज़ कर लेते हैं, तो इतना ये आसान भी नहीं है। इसके लिए एक वीपीएन होता है, जो एक स्पेशल वीपीएन होता है जो कि आपको दिया जाता है, और आप जब भी इस तरह का कोई भी आप इस तरह की कोई भी इलीगल वेबसाइट वगैरह जब भी आप अपने फ़ोन से खोलते हैं या फिर आप अपने पीसी से खोलते हैं, जैसे भी आप उसको ओपन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप नज़र में आ जाते हैं, आप प्रशासन की नज़र में आ जाते हैं, आप सरकार की नज़र में आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। तो अगर एडवोकेट विभोर का ये कहना है कि सुशांत के साथ जो भी काम हुआ वो डार्क वेब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया, तो ये हो सकता है कि इस बात में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई हो। और ये भी है कि आप सबको पता है कि हाँ बॉम्बे में, महाराष्ट्र में इस वक्त क्या चल रहा है, वहाँ की पुलिस इस वक्त कैसा काम कर रही है, सरकार कैसा काम कर रही है, सब कुछ वो सबकी नज़र में है। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो भी ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि ये बिल्कुल सही हो उनका, अगर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा जरूर। उसके बाद ही ये इतना इस तरह का ट्वीट करना एक बहुत बड़ी बात है, तो शायद इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई हो। बाकी अपना काम सीबीआई कर रही है, और जो भी एनसीबी, सीबीआई, डीआरडीओ, सारी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं, अपने अपने तरीके से जांच में लगी हुई हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर आपके सामने इसकी सच्चाई आएगी। हाँ, डार्क वेब बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एक इलीगल साइट है जो कि आप नॉर्मल किसी भी सर्च इंजन से इसे सर्च नहीं कर सकते हैं। आपको अगर इसे सर्च करना है तो आपके पास टॉर, या इसे द अनियन राउटर भी कहा जा सकता है, इसका इस सर्च इंजन का होना जरूरी है। इसी के माध्यम से इस वेबसाइट को सर्च किया जा सकता है, और इंटरनेट का 96% भाग डार्क वेब है। जो हम जो यूज़ करते हैं, हमारी जो पहुंच के अंदर है, वो इंटरनेट का केवल 4% भाग होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बाकी एडवोकेट विभोर के ट्वीट में कितनी सच्चाई है वो बाद में पता चलेगा। हाँ, पर इतना कहा जा सकता है कि बात निकली है तो बहुत दूर तक लग जाएगी।